हेलो फ्रेंड्स, आपका भाई आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आज का जो भी वीडियो है वो परफेक्टली देख लेना, ज्यादा लंबा नहीं होगा, वरना आप जो गर्ल्स के लिए इमेजेस है वो जनरेट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ गूगल पे आना है और सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएटर। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली टैप करना है और दोस्तों ओपन करना है। अब दोस्तों जो भी मैं आपको बॉय वाला प्रॉम्प्ट दूंगा सिंपली आपको यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ तीसरी लाइन में एनजे लिखा हुआ होगा, सिंपली आपको रिप्लेस करके अपना नेम ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारी इमेजेस कुछ इस तरह बनकर रेडी हो चुकी है। और दोस्तों मैं आपको ए वाली इमेजेस ओपन करके भी बता देता हूँ कितनी परफेक्ट रियलिस्टिक एंड दोस्तों बॉय जो भी है वो महाशिवरात्रि में डांस कर रहा है उस तरह की इमेजेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये भी बहुत ही बढ़िया हमारी इमेजेस बनकर रेडी हो चुकी है। और दोस्तों आपको जो भी होडी पे नेम भी दिखाई देगा। अब दोस्तों इस प्रॉम्प्ट से आपको गर्ल्स के लिए इमेजेस जनरेट करनी है तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ दूसरी लाइन में बॉय लिखा हुआ होगा, सिंपली आपको यहाँ रिप्लेस करके कर देना है गर्ल। इतना चेंज करने के बाद उसकी नीचे वाली लाइन पर आपको बॉय वरिंग देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ गर्ल वरिंग कर देना है। अब दोस्तों आप आगे यहाँ ब्लैक होडी देखने को मिल जाएगा, उसकी जगह आप टी शर्ट भी कर सकते हो या फिर आपको कोई और ऐड करना है तो भी आप सिंपली कर सकते हो, कुर्ती वगैरह कर सकते हो। मैं सिंपली कुर्ती कर देता हूँ, देखते हैं किस तरह की इमेजेस जनरेट होती है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नेम ऐड कर देना है, एंजेल लिखा हुआ होगा, सिंपली मैं यहाँ नेहा कर देता हूँ, कोई भी आप नेम अपना ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों उसकी नीचे वाली लाइन पर आपको यहाँ ही इज लुकिंग देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ सी इज लुकिंग कर देना है। इतना चेंज करने के बाद आपको और कुछ मेरे ख्याल से चेंज करने की जरूरत नहीं है। इतना चेंज करोगे जिससे आपकी इमेजेस गर्ल्स के लिए जनरेट होके रेडी हो जाएगी। सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारी इमेजेस जनरेट होती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारी इमेजेस कुछ इस तरह बनकर रेडी हो चुकी है। और दोस्तों कुर्ती की जगह आप टी शर्ट वगैरह भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है आप किस तरह का क्लोथ्स रखना चाहते हो। मैंने आपको इमेजेस जनरेट करके बता दी कि किस तरह की इस तरह की आपकी इमेजेस बनकर रेडी होगी। अब इसमें आपको कपल वाली इमेजेस बनानी है तो भी आप बना सकते हो, वो भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ जो भी गर्ल है उसकी जगह सिंपली आपको ऐड करना है कपल। दोस्तों इतना चेंज करने के बाद आपको यहाँ फिर से गर्ल देखने को मिल जाएगा, उससे आगे आपको थोड़ा ऐड करना है जो मैं आपको आगे कैप्शन में दे दूंगा राइट साइड में, जहां से आपको यहां कॉपी करके ऐड कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहां ऐड कर दिया है द बॉय वरिंग ब्लैक होडी विथ नेम एनजे। तो दोस्तों इतना आपको ऐड करना है जो मैं आपको राइट साइड में दे दूंगा। सिंपली अब क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखना हमारी इमेजेस जो भी है वो कपल के लिए बनकर रेडी हो जाएगी। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको ये जो बॉय वाला प्रॉम्प्ट है वो कहां से कॉपी करना है वो भी बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारी इमेजेस कपल के लिए बनकर रेडी हो चुकी है। अगर दोस्तों इसमें आपको थोड़ा बहुत नेम का प्रॉब्लम रहे तो आप फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन से कर सकते हो या फिर आप फिर से क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपकी इमेजेस परफेक्टली बनकर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारी इमेजेस कुछ इस तरह बनकर रेडी हो चुकी है। और दोस्तों ए वाली इमेजेस मुझे बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगी। आपको एनजे का नेम तो देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन दोस्तों जो भी गर्ल्स का नेम है वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते जाओगे आपकी परफेक्टली इमेजेस आ जाएगी। अब दोस्तों ए इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको ओपन करना है और दोस्तों आपको नीचे थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप अच्छी तरह अपनी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। अब ए वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टेलीग्राम ओपन करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोस्तों यहां आपको कैपिटल लेटर में लिखना है एनजे पड़ियार 23। जैसे लिखोगे मेरा कुछ इस तरह का चैनल है आ जाएगा, सिंपली टैप करना है, ओपन करना है। और दोस्तों अभी अभी मैंने ये फोटो डाला है, यहां आपको प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा।